नीरज जी, आज आपने इस तरीके से बाल कटवाए हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि जो मेरी मांगे हैं उनको सुना नहीं जा रहा। यदि हम लोग देखते हैं घर में बूढ़ बुजुर्ग हो जाते हैं, कितनों चिल्लाने के बाद वो उठ नहीं पाते हैं, तो उसी तरह SCCB में 9 दिन से उठाने के जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उसकी दाह संस्कार आज कराने के लिए मैं बाल मुड़ा रहा था और दाह संस्कार हो रहा था, उसी टाइम सरकार देख ले, गृह मंत्रालय ने देख लिया किस तरह अत्याचार हम लोग पर कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में विरोध में ना आ जाए, इसलिए जो है ना नाई को पकड़ के लेके चले गए, अरेस्ट करके ले गए। इसलिए इसी वजह से देख सकते हैं किस तरह अत्याचार करे, आधा मुंडन इसी वजह से हुआ, नाई को अरेस्ट कर लिया गया। हमारी मांगे ये है कि SSC, हमारा जो 27 तारीख से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था उसी दिन से हमारी ये मांग थी कि SSC जो भी एग्जाम्स करवाता है, ठीक है, उन सभी पे CBI इंक्वायरी हो, लेकिन अभी तक सिर्फ हमें आश्वासन दिया गया है, और उस आश्वासन में ये बोला गया है कि मतलब जो 17 से 22 तारीख तक जो CGL Tier 2 के एग्जाम चले थे उस पर रिकमेंडेशन दी गई है, और अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया, और हम यहाँ पे इसलिए बैठे कि हमें लिखित में ऑर्डर मिल जाए, और जो हमारी डिमांड है कि SSC जो भी एग्जाम्स करवाता है उन पर CBI इंक्वायरी हो, और जो अभी ऑनगोइंग एग्जाम्स उन पर स्टे लगे। देखिए अभी CHSL एग्जाम चल रहा है, हमारी डिमांड थी कि स्टे लगे, लेकिन एग्जाम तो चल रहे हैं, तो ये क्या हमारी मांग कहाँ से पूरी हुई है? लेकिन मोदी सरकार तो ये कहती है हम 2 करोड़ नौकरियाँ प्रत्येक साल देंगे। देखिए आपके सामने बेरोजगार, अभी हमारी एग्जाम्स चल रहे हैं, और हम बच्चों को लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना चाहिए। मैं खुद 16 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता हूँ, सोचिए 16 घंटे, उसके बाद मुझे सोना भी है और बाकी अपने पर्सनल काम भी करने हैं, उसके बाद ये हाल है। तो ये बच्चे जो नौकरियाँ दे रहे तो क्यों रोड पर बैठे हुए हैं? सरकार को अगर जवाब है तो दे हमें, हमारी तो कोई डिमांड ही नहीं, हमारी तो सिर्फ ये कि अब ये देखिए बच्चे क्यों बैठे, इस संस्था से अगर विश्वास उठ जाएगा तो रिक्रूट कैसे करेगी? हमारा इस संस्था का काम क्या है कि हमें जॉब्स प्रोवाइड करे, सिलेक्शन दे, लेकिन जब ये धांधलियाँ होंगी, स्कैम्स आएंगे सामने, तो हम इन बच्चों का विश्वास उठ जाएगा, फिर किस तरीके से हम एग्ज़ाम्स में इतनी जो 16 घंटे बैठ कर तैयारी करते हैं उसका क्या फ़ायदा होगा, जो बिना तैयारी के पैसे दे के जॉब लग जा रहा है, तो सरकार इस पर क्या जवाब देना चाहेगी? सरकार गवर्नमेंट बोल रही है कि जॉब 2 करोड़ देंगे, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ 2016 में CHSL में 6700 के आसपास सीट थी, अभी 2017 में जो वो सीट घट के 3200 के आसपास आ गए, जस्ट हाफ कर दिया गया, और धीरे धीरे ऐसे कर रहा है कि घटाते जा रहा है सीटों की घटाते जा रहा है। पहले 13,000 CGL में वैकेंसियाँ आती, इसके बाद 5,000 पर आ गया है अभी, अब और कितना घटाएंगे ये नहीं पता। आप लोग कहाँ से हो? मैं मधेपुरा बिहार से हूँ।